आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव फ्रेश पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, केक और ताजी मिठाइयों के लिए पधारे आपकी अपनी दुकान शर्मा फास्ट फूड बेकर्स कुठाड़। फ्रेश केक बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें शर्मा फास्ट फूड बेकर्स कुठाड़। जिला सोलन के कसौली उपमंडल के अंतर्गत कृष्णगढ़ पंचायत के सभागार में कृषि विज्ञान केंद्र कंडाघाट से आई वैज्ञानिक डॉक्टर आरती शुक्ला ने सभागार में मौजूद हुए किसानों को भारत सरकार कृषि मंत्रालय की ओर से आई योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से आए निर्देशों के अनुसार वर्ष 2023-24 तक ब्लॉक स्तर पर लगभग 10,000 किसानों के समूह बनाए जाने हैं, जिसके लिए ब्लॉक स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। एक पायलट प्रोजेक्ट है, मतलब उनका कि 2023-24 तक पूरे देश में 10,000 FPOs बनाने हैं, तो वो लगभग उसमें हर ब्लॉक लेवल में एक बनेगा। तो अभी इन्होंने इनिशियली जो है सब डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ कुछ ब्लॉक्स में ये कार्यक्रम दिया है। तो हमारे सोलन में दो ब्लॉक चिन्हित हुए हैं, एक कंडाघाट ब्लॉक में बनेगा और एक धर्मपुर ब्लॉक, उसके लिए किया गया है चिन्हित जहाँ ये FPO बनाने हैं। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इनके मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर ही NCDC है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो ये 1963 में बनी थी, मिनिस्ट्री के अंडर है ये। तो इनके अंडर मतलब ये होगा, ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी NCDC है, ये पूरा मतलब FPO का जो फंडिंग रहेगी, जो भी कर रहा है वो इनके द्वारा रहेगा। इन्होंने आगे फर्दर फैसिलिटेटर दिए हैं, या CBBO बोलते हैं उनको, क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो वो CBBO हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग है, कई जगह वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को है, हॉर्टिकल्चर को है, या जैसे हमारा KVK उनको दिया गया एक कार्य कि आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ये बनाना है FPO बनाना। क्योंकि जो डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर है या हमारा KVK वगैरह है, वो तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोग जो भी करते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली क्योंकि फार्मर से जुड़े होते हैं और पता है कि हाँ इस एरिया में ये चीज़ मेन लगाई जाती है, फार्मर्स की ये समस्याएँ हैं क्या है, तो उन सबको देखते हुए ये कार्य मतलब हर जगह KVK को उनको सौंपा गया। तो हमारे पास जैसे KVK के पास होता है दो हमें DMA करना धर्मपुर ब्लॉक में दिया है। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि अगर हमने फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो पहले तो हमने क्लस्टर आइडेंटिफाई करना है जहाँ पर ये बनाया जाए। तो क्लस्टर ऐसा होना चाहिए वो लगभग 5-6 पंचायतों का या इसका समूह हो सकता है, जिसमें हमें फार्मर्स 5-6 पंचायतों से लेने हैं और वहाँ पर एक तरह की ही मतलब क्रॉप्स या एक तरह की ही फसलें लगाई जा रही हों, जो हमारा प्रोड्यूस है वो एक तरह का हो। जैसे हमारे को सोलन में जमीन हमारा क्या है, सब्जी पर ही बेस्ड है, वेजिटेबल बेस्ड है यहाँ की कॉमोडिटी, तो सब्जी के लिए दिया गया कि जो मेन कमोडिटी है वो वेजिटेबल रहेगी, उसके अलावा आप और भी जैसे कोई मशरूम भी उसके थ्रू सेल करना चाहता है या फल है या कुछ और है फ्लावर वगैरह वो भी रख सकते हैं, पर मेन होगा उसमें वेजिटेबल का। उसमें चाहे फिर ऑर्गेनिक वाले हैं वेजिटेबल ग्रोअर या दूसरे हैं पॉली हाउस वाले हैं या ओपन वाले हैं, वो सारे उसमें आ जाते हैं। FPO बनाने का पहले तो ये इन्होंने डिसाइड क्यों किया, इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे आप लोग वैसे जाते हैं कोई प्रोड्यूस लेके मार्केट में जाते हैं, तो कई बार एक्सप्लॉयटेशन होती है फार्मर्स की कि जो भी रेट आप मंडी में बोलेगा आरती कहेगा आपको देना ही पड़ता है, कि इतने में ही देना है आपको, देना है दो नहीं तो नहीं। तो जब आप ग्रुप में होंगे, संगठित होंगे, 100-200 फार्मर का ग्रुप होगा आपका इकट्ठे, कलेक्टिव एक प्रोड्यूस जाएगा, तो आप एक निगोशिएबल टर्म में वहाँ आते हैं, तो आप वहाँ उनको बोल सकते हैं कि नहीं इतने का नहीं होना चाहिए, तो उसमें फार्मर का ऐसे रहेगा उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। दूसरा ये कि जैसे आपने काम करना है कोई भी, तो आपको उसमें रिक्वायरमेंट रहती है शुरू में सीड की रहती है, सब्जियाँ लगा रहे हैं आप या उसमें खादें चाहिए है ना, या आपको पेस्टिसाइड्स वगैरह चाहिए, तो वो सारी चीज़ें भी FPO प्रोवाइड कराएगा। और छोटे छोटे ऐसे इम्प्लीमेंट्स हैं कोई खेती के वो हैं, तो वो भी इसके द्वारा आप FPO के द्वारा दिए जा सकते हैं।
और छोटे से कोई मिल में प्रोसेसिंग यूनिट टाइप है जैसे पैकिंग ग्रेडिंग वगैरह की मशीन इस तरह का, वो भी FPO में एक सेटअप बनेगा जिसमें फिर फार्मर्स जो है थोड़े से उनसे चार्ज मिनिमम से करेंगे, उस वो देख के वो करवा सकते हैं अपना वो सारी चीज़ें। तो फिर अब ये है दूसरी बात कि FPO बनाना है तो उसके लिए हमारे को जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि जो हिली एरिया है उसमें 100 फार्मर मिनिमम कहे हैं कि जोड़ने, जैसे मैंने बोला 5-7 पंचायतों से हो गया है ना, तो उसमें आप टोटल अगर 100 मिनिमम रख के चले वो मिनिमम है, उसके ऊपर 200-300 तक भी हो सकते हैं। फ्रेश पिज्जा बर्गर पेस्ट्री केक और ताजी मिठाइयों के लिए पधारे आपकी अपनी दुकान शर्मा फास्ट फूड बेकर्स कुठाड़। फ्रेश केक बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें शर्मा फास्ट फूड बेकर्स कुठाड़। फिर जैसे उसमें भी अलग अलग इंटरेस्ट के भी होंगे लोग, जैसे कुछ बोल रहे थे हम तो जी ऑर्गेनिक ही कर रहे हैं हमारा अलग जाना चाहिए, कोई कह रहा है मैं पॉली हाउस का है या मेरा मशरूम है या मेरा फल है ऐसे, तो एक FPO के अंदर छोटे छोटे और समूह बनाए जाते हैं जिसको फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप बोलेंगे, जैसे वो 10-15 या 20 फार्मर का अलग अलग ग्रुप हो गए अलग अलग कमोडिटी के हिसाब से है ना। तो फिर हमने ये 100-200 जितने भी लोग जोड़ दिए उसके बाद FPO को चलाने के लिए पहला जो वो है कि फार्मर शेयर इसमें लिया जाता है, जितने मेंबर्स हैं 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो तो नॉन रिफंडेबल है, वो एक बार ही हो गया तो वो वापस नहीं मिलती, लेकिन उसके अलावा कि जो शेयर आपका फार्मर्स का जाता है जैसे 500 रुपये मिनिमम रखा हुआ है, अगर आप इसमें 100 फार्मर है तो 500 के हिसाब से 50,000 हो गया आपका कलेक्शन है ना, तो जितना शेयर आपका है उतना फिर ये NCDC जो है वो देगी आपको 50,000 NCDC डालेगी और 3 साल तक ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं FPO को रन करने के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि 23-24 तक है इनका ये जो टारगेट है पूरा करने का, तो फिलहाल 3 इयर्स के लिए ये देते हैं, तो इक्वल शेयर ये डालेंगे अगर 50,000 है तो 50,000, तो अगर आप ज़्यादा करते हैं 1,000 करते हैं 1,00,000 है तो 1,00,000 वहाँ से आएगा, उससे फिर आप ये शुरू करेंगे जैसे FPO जहाँ भी आप ऑफिस वगैरह लेंगे वहाँ से फिर आप आगे आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह जो इसकी होनी है वो सारी फॉर्मेलिटी वो फिर KVK करेगा इसमें, ठीक है, जो इसमें आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है जो स्टेट का उसके अंडर रजिस्टर होगा ये FPO, तो वो कार्य जो है कागजी काम जो भी होगा या उसमें जो खर्चा लगना है 3-4 हज़ार जो भी लगता है वो KVK हो दिया है, वो काम हम देगा आप लोगों ने वो पहले ग्रुप वो बनाना है, पर उसमें फिर इसको रन करने के लिए हमारे को क्या चाहिए कि 11 लोगों की कमेटी बनाते हैं मैनेजमेंट कमेटी जो बनती है जिसमें एक प्रेसिडेंट होगा वाइस प्रेसिडेंट होगा सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी ट्रेजरर वगैरह ये रहेंगे, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बनते हैं पार्टी मेंबर्स होते हैं 6, तो 11 लोग टोटल इसमें हो चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा ये है कि क्लस्टर आइडेंटिफाई हो जाए, आप हैं आपके एडजॉइनिंग पंचायतों के, अगर अगली बार जैसे हम आएंगे तो 7 की जो लगती पंचायतें हैं अगर आप लोग का इंटरेस्ट है या उनका है तो उनको बुला के फिर हम बात कर सकते हैं कि 5-7 पंचायतों को जोड़ के हम इस तरह का पहले क्लस्टर कर लिया आइडेंटिफाई, उसमें फिर हमें सिलेक्ट करने हैं लोग भी थोड़े एक्टिव होंगे और हर उसके चाहिए हमें कुछ एक्सपीरियंस लोग भी हैं कोई यंग भी है उस तरह से मेल फीमेल सारे मेंबर्स होंगे उसमें, तो 11 लोग हमने वो पहले चिन्हित करके वो कमेटी बनानी है वो फाइनलाइज करनी है, वो सबसे पहला काम है, जब वो बन गई फिर वो आगे फर्दर अपने साथ में फार्मर्स को जोड़ेंगे अलग अलग पंचायतों के होंगे उसमें लोग तो सब अपने अपने एरिया से जो भी प्रोग्रेसिव दौर है उनको इसमें जोड़ेंगे मेंबर बनाएंगे और उसके बाद फिर आपका जैसे आपका हो गया वो स्टार्ट तो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो प्रोसेस है वो KVK ने कराना है वो कर देंगे, आपको लाइसेंस भी इसमें प्रोवाइड होगा जो आपकी फर्टिलाइजर है या सीड है या पेस्टिसाइड वगैरह सेल करने के लिए, तो वो फिर FPO के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं फार्मर्स को, तो वो सारा काम हमने करना है KVK ने। पैसा जो है जैसे मैंने बताया जो आपकी जितनी होगी बनी उतना ही शेयर जो है वो गवर्नमेंट को डालेगी TDS तक, फिर आपने जहाँ जैसे ऑफिस बनाना है ऑफिस जो लेंगे आप किराए पे लेते हैं कोई तो उसमें भी 4,000 रुपये महीना के हिसाब से किराया वो देंगे NCDC वाले 47,000 वो देते हैं साल का, और फिर इसमें आगे इसके वो बनते हैं इसमें रन करने के लिए जैसे आपको CEO या मैनेजर चाहिए और अकाउंटेंट वगैरह चाहिए तो वो फिर है उसकी सैलरी भी NCDC से जाती है, उनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेगा उनको जो
6,000 उसकी सैलरी होगी और 15,000 अकाउंटेंट की होगी, तो वो एनसीडीसी के द्वारा आएगी। 3 इयर्स के लिए तो है ही है ना उनका, उसके आगे अगर रन करने लग जाता है अच्छे से तो हो सकता है आपको ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो सपोर्ट वो 1-2 सालों में भी बढ़ जाती है, 5 ईयर तक भी जाती है ना। तो ये इसका मेन वो है ऑब्जेक्टिव हमारा, कि हमने इसलिए आपको आज बुलाया था कि अगर 7 की पंचायतों के हमारे इतने लोग जुड़ जाते हैं तो हमें ये चाहिए कि भी मतलब आपका जो भी प्रोड्यूस है उसमें कॉन्टिन्यूटी रहे, मतलब ऐसा इसलिए क्लस्टर भी इस तरह का होना चाहिए जहाँ हर टाइम मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आपके पास प्रोड्यूस है जो आपने उसके थ्रू सेल करना है, बाकी सीड फर्टिलाइजर वो सारा भी आप इसके उन्होंने बताया कि लगभग 3 या 4 पंचायतों के 100 किसानों का एक समूह पंजीकृत किया जाएगा, जिससे किसानों को मंडियों में अपनी एक तरह की फसल जो कि उनके क्षेत्र में उगाई जाती है को अकेले अकेले न बेचकर सामूहिक रूप से बेचने में सहायक सिद्ध होगा, और इसके अतिरिक्त समूह के किसानों को सस्ते दामों पर बीज कीटनाशक इत्यादि भी उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि अच्छे उत्पादन से किसान की आर्थिकी को सुधारा जा सके। कुठार जिला सोलन से आपका चैनल न्यूज के लिए राजीव खामोश की रिपोर्ट। फ्रेश पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री, केक और ताजी मिठाइयों के लिए पधारे आपकी अपनी दुकान शर्मा फास्ट फूड बेकर्स कुठाड़। फ्रेश केक बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें शर्मा फास्ट फूड बेकर्स कुठाड़।